नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में ठीक से होंगे। तो गाइस, आज ना फिर से हमें शादी है और मैं ना फिर से शादी में जा रही हूँ। और पहले ये मशीन का ढक्कन मैं बंद कर लूँ क्योंकि मैंने कपड़े धोए थे ना, तो ये मशीन ऐसे ही रहेगी। तो आज ना पानी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, पानी नहीं आया आज। फिर मैं आज लेट होगी, एक बज गया है कम से कम। और अभी शादी जो है ना, हमारे शरीक जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे मेरे जो दादी जी हैं उनके रिलेटिव्स हैं, तो उनके घर में हमें शादी है। और पहले तो सोच रहे थे कि दोपहर को मम्मी जी को भेज देंगे और शाम को हम जाएंगे, पर मम्मी जी को हो गया है फीवर, तो अभी मम्मी जी का जाना तो कैंसिल है। और जैसे कि ना हनू 6:30 पहुँचता है घर अकेडमी से, तो सोच रहे थे कि उसको लेने के बाद बारात, जहाँ हमारे घर के पास लड़के की शादी है, तो ना बारात जो है वो हमारे घर के पास से ही आएगी। तो देखते हैं अभी क्या बनता है। और शाम को या तो बारात में ही जाएंगे, जैसे हमारे यहाँ पे 2 धाम होती हैं, एक छोटी धाम आज है, बड़ी धाम कल है, तो देख लेंगे। अगर घर जाना होगा तो फिर बड़ी धाम को जाएंगे, क्योंकि बच्चों का भी देखना है, बच्चों को अकेले घर में छोड़ के जा भी नहीं सकते। अगर मम्मी जी ठीक हो तो दोपहर को वो जाते। तो अभी जस्ट ना 1 बज गया है। आज बाहू ने भी बहुत ज़्यादा परेशान किया, उसको 3 बार आज मैंने सुलाया और वो 3 बार ही उठ गया। और पहले मैंने इसको अम्मा जी के पास छोड़ा था, तो जल्दी जल्दी से मैंने थोड़ा सा काम किया, झाड़ू पोछा तो आज लगा नहीं, झाड़ू लगाया, पोछा बस हल्का हल्का मैंने ऐसे ही घुमा दिया जो पोछा था, क्योंकि ऐसे के देख सकते हैं आप। तो अभी जस्ट मैंने उसको सुलाया है और अभी मैं खाना लेने गई थी बाहर, तो फिर बाहू अम्मा जी के पास छोड़ा था तो वो रो रहा था, फिर मैंने सोचा पहले इसको सुला लेती हूँ, तो फिर इसको सुलाया है अभी। और अभी मैं जा रही हूँ खाना लेने, तो अभी डर है कि अगर मैं खाना लेने जाऊँगी तो पीछे से ये उठ ना जाए। तो अभी मैं देखती हूँ क्या बनता है, सोच रही हूँ कि यहीं चपातियाँ लगा दूँ और सब्जी जो रात की बची है वही गर्म करके वही खा लूँगी। और देखो अब तो गाइस, फाइनली मैं खाना खा के आ गई हूँ। और ना मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से बाल बहुत ऐसे हैं, इनको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेती हूँ। एक्चुअली मैंने स्ट्रेट करवाए थे बाल और ये रिबॉन्ड करवाए थे, और रिबॉन्डिंग की वजह से ना बहुत बेकार हो जाते हैं। मैं तो हमेशा यही रिकमेंड करूँगी सभी को, कोई कभी अपने बालों के साथ छेड़खानी नहीं करें। मैंने हाईलाइट करवाए थे, रिबॉन्डिंग करवाए थे, उसकी वजह से मेरे बालों का जो है ना वो सत्यानाश हो गया है, सच बोलूँ तो। मैंने यहाँ पे ना ये निकाल के रखा है स्ट्रेटनर मैंने निकाला था, पर कहाँ गया वो स्ट्रेटनर, मेरा गुम हो गया। मैं आपको सूट बताती हूँ कि कौन सा सूट मैं डाल रही हूँ आज। ये वाला सूट मैं डाल रही हूँ आज, इसकी दुपट्टा चुन्नी जो है ना मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, दुपट्टा इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। और ना सलवार सूट बहुत ज़्यादा कम डालती हूँ मैं, ऑलमोस्ट जो है ना वो चेकिंग ही वेयर करती हूँ। मैंने सोचा था कल मेहंदी लगाऊंगी बालों में, पर एक्चुअली ना कल मेरे जो कान में ना इन्फेक्शन हो गया था, तो कल हम पूरा दिन हॉस्पिटल में रहे। सुबह निकले थे हम 11 बजे और शाम को हम पहुँचे 5:30-6 बजे घर वापसी पे। तो बाल भी मैंने कल आके धोए, तो मैंने सोचा था मेहंदी वगैरह लगाऊंगी, बाल जो है ना वाइट वाइट वो तो हो गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे बालों की बहुत बुरी हालत है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा हाईलाइट कर सॉरी स्ट्रेट करूँगी ना, तो इससे जो है ना पता नहीं चलेगा, बाल जो चिप जाएंगे ना आपस में, जो वो चिपक जाते हैं दूसरे के साथ ना, तो पता नहीं चलेगा कि वाइट वैसे रात को जाएंगे, रात को वैसे भी इतनी नज़र नहीं होती किसी की भी। तो मैं ना पहले अपने बाल स्ट्रेट करूँगी और फिर मैं ये ब्रश करूँगी इनको, क्योंकि यार लाइट का भी बहुत पंगा रह रहा है, कभी लाइट आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है। हम हो गए हैं तो, और ये देखिए ये मैंने ऐसे वाली लुक में की है। तो मैं जा रही हूँ, अभी बात लेट होगी हूँ मैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं शादी वाले पंडाल में, हम सीधा पहले घर गए थे, घर उनको जो भी शगन वगैरह था वो लड़के की मम्मी जी को दिया, और
क्योंकि अम्मा जी ने स्पेशल बोला था कि घर जाना है, पहले घर से होके बारात में जाना है। तो अभी हम पहुंच गए हैं, हम बारात के साथ ही आए थे और बारात में पहुंच गए। और इतनी अच्छी उन्होंने सारा अरेंजमेंट करा था लड़की वालों ने ना, बहुत सुंदर लग रहा था, हर चीज़ बहुत अच्छी डेकोरेट करी हुई थी। खाने का जो स्टॉल्स थे वो अलग बनाए थे, स्टेज अलग बनाई थी, बैठने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध था। और ना ऐसे मतलब जो जगमाला लगाई थी ना, वो तो ऐसे लग रहा था कि जैसे ना जो काला काला जो आसमान था ना, वो ऐसे लग रहा था जैसे मानो कि पेंट करा है। और ये हम बच्चे तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे कहीं भी, और हनु के पापा भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे, पर मैं और दी और बाहू बैठ गए थे चेयर्स के ऊपर और वेट कर रहे थे दुल्हन के आने का। अभी दुल्हा भी नहीं आया था क्योंकि मिलनी वगैरह हो रही थी, तो सभी वहीं पे थे। और अभी जो बाकी की बारात थी ना, वो भी आ गई थी, और खाने के जो फास्ट फूड बनाए थे बस पहले वो खाया, उसके बाद खाने का भी बहुत अच्छा सिस्टम था, और हमने भी थोड़ा बहुत फास्ट फूड खाया और जैसे पकौड़े वगैरह खाए, और उसके बाद हमने खाना खाया। तो यहाँ पे अभी दुल्हा और दुल्हन भी आ गए थे, पहले दुल्हा आया उसके बाद दुल्हन आई, और जैसे ही वो दोनों आए उनको झूमर के ऊपर खड़ा किया। ये झूमर बहुत सुंदर बना हुआ था, फूलों से सारा डेकोरेट था और ऊपर से फूलों की बारिश हो रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी जैसे जैसे ये घूम रहा था, लाइटिंग उन पर पड़ रही थी, वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये लग रहा था। मगर जो जयमाला की रस्म है ये ऊपर झूमर के ऊपर ही हुई और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो गाइस जो ऑलमोस्ट सारा जो प्रबंध था ना शादी का, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, और जो फूलों की बारिश हो रही थी ना वो सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और इसी तरह दोनों ने फिर एक दूसरे को जयमाला पहनाई, फिर दोनों को स्टेज के ऊपर ले जाया गया, और फिर वहाँ पे जो भी लड़का और लड़की की तरफ से जो रिश्तेदार आए होते हैं उन दोनों ने लड़का और लड़की को शगन दिए, और बस फिर खाना खाया और हम ना आगे अपने घर वापस। और घर आते आते हमें ना 11:30 हो गए थे, और फिर तो आके हम सो गए फिर। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।